रुक करते हैं छत्तीसगढ़ के खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर सुरक्षा बलों से हुई मुठभेड़ में जवानों ने एलओएस कमांडर सहित 6 नक्सलियों को मार गिराया। मारे गए नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए, उनमें से 4 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। शवों के पास से ही हथियार और अन्य सामान बरामद हुआ। इसकी पुष्टि तेलंगाना में भद्रादी कोटगुडेम जिले के एसपी सुनील दत्त ने की। जानकारी के मुताबिक प्रदेश से लगे तेलंगाना के भद्रादी कोटगुडम जिले में ग्रे हाउस फोर्स के जवान सर्चिंग कर निकले थे। इस दौरान चरला क्षेत्र के चेन्नापुर जंगल में घात लगाए नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। थोड़ी देर चली मुठभेड़ के बाद नक्सली वहां से भाग निकले। सर्चिंग के दौरान 6 नक्सलियों के शव बरामद हुए। इनमें से एक की पहचान एलओएस कमांडर रजिता के रूप में हुई है, बाकी की शिनाख्त की जा रही है। संयुक्त ऑपरेशन था जिसमें ग्रेहाउंड तेलंगाना, भद्रादी कोत्तागुडम जिला पुलिस, सीआरपीएफ 141BN, किस्टाराम डीआरजी हमारे जिले की, ये सभी लोग मिलके इनको सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पेसर पड़ोस एरिया में नक्सली 50 से 60 की संख्या में चेला पुलिस स्टेशन और किस्टाराम पुलिस स्टेशन एरिया में अटैक करने वाले हैं। उसी सूचना के आधार पर यह ऑपरेशन लॉन्च हुआ था। ये ऑपरेशन तेलंगाना की तरफ से लॉन्च हुआ था और किस्टाराम से हमारी टीमें भी नीचे सपोर्ट में निकली थी। इस ऑपरेशन के दौरान आज सुबह मॉर्निंग 7 बजे एनकाउंटर हुआ है, पेसल पाड़ू के साउथ ईस्ट में एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में नक्सलियों ने हमारी ग्राउंड और सीआरपीएफ टीमों पर गोलीबारी की, जिसके जवाब में उन्होंने रिप्लाई देते हुए 6 नक्सलियों को इसमें मार गया। एरिया की सर्चिंग कंप्लीट हो गई है और भद्रादी कोत्तागुडम पुलिस की टीम जो है वहां से शवों को लेकर उस तरफ से निकल के सुकमा लेके आया जा रहा शवों को और अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त की कार्रवाई हो गई है जी। अभी चूंकि ऑपरेशन चल रहा था और बॉडी को बाहर निकाला है, अभी सुकमा में इनका पोस्टमार्टम होगा, उससे पहले शिनाख्ती कार्रवाई की जाएगी, पछतावा कार्रवाई। और साथ ही साथ इसमें 2 .303 हथियार, 3 DBBL, 4 रॉकेट लॉन्चर और काफी मात्रा में जो नक्सली जो सामान लेके चलते कैरी करते हैं बरामद हुआ।